नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनावों को लेकर जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। जी हां, योगी सरकार अब बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर देने पर फोकस कर रही है, यानी कि एक तरीके से युवाओं को जीत का सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने जा रही है। वहीं योगी 2.0 के 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। योगी सरकार यूपी के युवाओं को जीत का सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने जा रही है। सरकार ने 100 दिनों में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार के अवसर देने की घोषणा की है। अब दूसरी पारी में शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। उन्होंने अगले 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। उनका संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना और रोजगार देने के संकल्प को तेजी से पूरा करना है। योगी सरकार ने लोगों से किए वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के मकसद से सभी सरकारी विभागों को अपने यहाँ खाली पदों की पूरी लिस्ट बनाकर उनके सामने रखने का निर्देश दिया है, जिससे कि जल्द ही इन सरकारी पदों पर बहाली निकाली जा सके। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में पिछली बीजेपी सरकार के 5 सालों के कार्यकाल के दौरान एमएसएमई और ओडीओपी जैसी स्कीमों के जरिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ का अगला लक्ष्य अब इन संख्या को दोगुना करने का है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। इसके लिए जिला एवं डिवीजन के स्तर पर भी स्टार्टअप स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि युवाओं को अधिक रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों से ये बात भी साफ कर दी है कि ये पूरी चयन प्रक्रिया बीते 5 सालों की तरह ही बिल्कुल निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए। नियुक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्च मानक स्थापित करने को लेकर उनकी सरकार की तारीफ भी होती है। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के 5 साल के दौरान यूपी में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी। कोविड-19 महामारी के दौरान भी योगी को मिशन रोजगार थामा नहीं और ये प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से निरंतर चलता रहा, जिसमें केवल मेरिट के आधार पर भर्तियां दी गई। जी हां, तो अभी से योगी सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य बना दिया है। एक बार फिर योगी सरकार एक्शन मोड पर है और एक के बाद एक लोगों के हित में काम कर रही है। वहीं बाबा का बुलडोजर भी माफियाओं को अच्छे से सबक सिखा रहा है। वहीं योगी की डर से अभी तक 50 गैंगस्टर यूपी में सरेंडर कर चुके हैं। वहीं अब बेरोजगारी कम और रोजगार बढ़ाने के लिए योगी सरकार काम कर रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।